Good morning, everyone. And thank you for inviting us. And it's my pleasure to be here on behalf of Kotak Mutual Fund at the MFRT event. We've had some amazing sessions so far. And I think each session has got a lot of takeaways for each and every one of us. But since this bar ka topic courage hai, to shuru karne se pehle main ek sawal puchna chahta hun. Last year MFRT event mein yahan se kitne log the? आप में से कितने लोगों ने नीलेश सर को 3 SIP की प्रॉमिस की थी? जिन्होंने नहीं की, ये करेज की बात है. सो आई थिंक यू नो आई मीन मैंने जब कनक जी से बात की थी टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ के क्या कवर करना चाहिए, सो प्राइमरली आई जस्ट थॉट के थोड़ा पर्सपेक्टिव सेट करते हैं. सो ये ग्राफ हमने सब ने काफ़ी देखा है कि हाउ द मार्केट हैज़ कंटिन्यू टू कीप गोइंग अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड इस पूरे दौरान आपने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए एज एन इंडस्ट्री, आपने और हमने मिलके. सो ऑब्वियसली 2008-09 का क्रैश हुआ है, जब एंट्री लोड बैन हो गया था 2009 में, फिर डायरेक्ट प्लान आ गया 2013 में, अभी एडवाइजरी गाइडलाइंस की बातें चल रही है. एंड एवरी टाइम ये जब इंसिडेंसेस हुए हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ अस और लॉट ऑफ यू ऑल ओवर हियर कोई हमेशा एक डर सा लगा रहता है और ये व्यू आता है कि अब तो ख़त्म, मतलब अभी तो धंधा बंद ही करना पड़ेगा, कुछ और शुरू करना पड़ेगा, लाइन बदलनी पड़ेगी. आई एम श्योर ये इमोशन आप में से काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा एवरी टाइम दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस हैव हैपेंड. बट इंडस्ट्री देखो, ये काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी कवर भी किया है कि अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस पूरी दौर में बढ़ते ही रही है और बढ़ते रहेगी. आई थिंक एक ऑप्टिमिज्म है हम सब में कि दिस इंडस्ट्री विल कीप कंटिन्यूइंग टू ग्रो एट द पेस एट विच इट्स ग्रोइंग. नाउ वेयर इज दिस कम्युनिटी? ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट आपके मन में ये बार बार ये सवाल उठ रहा है. So a lot of us are aware that the industry has about 1 lakh AMFI registered IFA. Agar kul mila ke active IFA base dekho to about 15,000 to 20,000 ka IFA base hai. Ek kafi issue jo bahut IFA sab face kar rahe hain ki business to maine bana diya hai, clients sab mere hai, clients mere ko hi recognize karte, mujhe hi pehchante, mere se hi kaam karna chahte. To aapko ye problem ho rahi hai kafi jagah pe ke legacy issue hai. इट्स अ फैक्ट दैट आज हम काफ़ी पार्टनर्स हैं यहाँ पे जिसका सेकेंड जनरेशन शायद इस बिजनेस में आना नहीं चाहता है, तो उनको ये वरी है कि जो बिजनेस अब तक बिल्ड किया है उसको आगे संभालेगा कौन. दूसरा ये कि मार्केटिंग एबिलिटी, कभी काफ़ी लोगों को ये लगता है हम तो छोटे हैं, हम हमारी मार्केटिंग कैसे करें, हम हमारे ब्रांड रिकग्निशन कैसे बनाएं. और एक सबसे बड़ा इशू जो सबको लगता है कि हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं है, मतलब हम रेगुलेटर के सामने जाके बात भी करें तो पता नहीं वो हमें रिकग्नाइज करते भी है, वो हमारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं. तो ये सवाल काफ़ी है जो आपके मन में आते रहेंगे. बट विथ ऑल दिस स्केप्टिज्म ऑल्सो, अगर आप लास्ट 2014 से ग्रोथ देखो तो एज अ कम्युनिटी probably you have grown in line or in fact higher than what the industry has grown. So itni skepticism hone ke bawajood, this is the kind of growth as an industry aapne achieve kiya hai. Now challenges kya hai, kafi ye sawal hai jo aapke mann mein bar bar, you know, and I'm sure aap bhi bhi in the corridor over breakfast over tea आप सब अपनों में यही बातें करते होंगे कि ये ऑनलाइन आ गया, ये पेटीएम आने वाला है, इससे हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, रेगुलेटरी चैलेंजेस है, बिजनेस काफ़ी फॉर्मलाइज करना हो तो उसको कैसे करें, पीयर से कंपटीशन आ रहा है, अपने आप को कैसे हम अपडेटेड रखें ताकि कस्टमर्स के सामने एक निश हम प्रेजेंट कर सकें. सो ये काफ़ी सवाल है जो आपके मन में अभी भी, यू नो, मस्ट बी, यू ऑल मस्ट बी गोइंग थ्रू इट. नाउ वेरी क्लियरली देर आर वन वे ऑफ डूइंग इट इज एज आशीष एंड मेंशन, अपने आप को एम्पावर करो, आप अपना नॉलेज बढ़ाओ, अपना बिजनेस मॉडल को स्ट्रांग करो. ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट आप ही के पास रहेगा. तो
तो सम ऑफ द थिंग्स जो आप कर सकते हो कि फ्यूचर के लिए प्लान करो, कस्टमर से जितना ज़्यादा एंगेजमेंट रखोगे वो अच्छा रहेगा, सर्विसेज को बंडल करने की कोशिश करो और प्रोसेसेस को डेवलप करो. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपने बिजनेस में है इस क्लाइंट का माइंड शेयर. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके कस्टमर को कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप उसके स्पीड डायल पे होने चाहिए और कोई उसके स्पीड डायल पे नहीं रह सकता है. तो जब हम कहते हैं ना, एक व्हाट्सएप घूमता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी नंबर वाला स्टोर करते काफ़ी लोग आइस आइस करके, तो वाई कांट योर नंबर नॉट बी एन आइस? इट हैज़ टू, इट कैन बी एन आइस कि कभी भी मेरे को कुछ भी डाउट हो, मेरे पोर्टफोलियो रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, आई शुड इमीजिएटली बी एबल टू रीच आउट टू माई एडवाइजर जो मुझे एडवाइज करेगा. ऑब्वियसली मॉडल को डी-रिस्क करना बहुत ज़रूरी है. हम में से काफ़ी लोग ये एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं कि जब बिजनेस मॉडल बहुत हैवी होता है कुछ कस्टमर्स के बेस पे और फॉर सम रीज़न आपका क्लाइंट आपको छोड़ के चला जाता है, फिर आप अपने पूरा बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हो, उसको रिटेल करने की कोशिश कर रहे हो, SIP की बुक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो. और ये बहुत कॉमन है हम लोगों में. आई एम श्योर लाइक ईच वन ऑफ अस हैज़ प्रॉबेबली एक्सपीरियंस दिस ओवर द ईयर्स ऑल्सो. अगर आप में से किन्हीं लोगों ने फाइनल माइल रिपोर्ट पढ़ी होगी या उसका प्रेजेंटेशन देखा होगा, तो उन्होंने कस्टमर्स को चार कैटेगरीज में किया है. एक वो कहते हैं कि जो लो इनकम है बट डिपेंडेंस भी नहीं है, तो दीज आर पीपल जो शायद हाल ही में वर्कफोर्स में आए हैं, लाइक 24, 25, 26 साल के, यू नो, यंग पीपल हु आर कमिंग इन टू द वर्कफोर्स. इन्वेस्टमेंट्स क्या है समझते भी है बट जानकारी नहीं है, और ये सेगमेंट आज की तारीख में काफ़ी हद तक अंडर सर्विस्ड है. आज ही सुबह का कैफ़े म्यूचुअल का एक आर्टिकल पढ़ो, उसमें उन्होंने एक सर्वे किया है जिसमें कहते हैं कि ये जनरेशन म्यूचुअल फंड से ज़्यादा इंश्योरेंस लेना प्रेफर करती है. दूसरा होता है कि इंक्रीज इनकम है और डिपेंडेंस भी है. ये सेगमेंट को हम सब काफ़ी हद तक सर्विस कर रहे हैं. तो ये टिपिकली एक इन्वेस्टर होता है जो 30-35 साल के उम्र का है, शादी की है, ही हैज़ हिज फर्स्ट चाइल्ड, एंड वो बेसिकली अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू करता है. सेकेंड होता है कि जब आप 45-50 ईयर्स के हो जाते, आपके डिपेंडेंस खुद इंडिपेंडेंट हो चुके हैं तब तक, और आपके पास डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है. एंड द लास्ट सेगमेंट ये है कि इनकम लो है, रिटायरी है, कोई डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि सब अपने बलबूते पे अपना खुद का कर रहे हैं, और ओवर द ईयर्स आपने जो सेविंग की है उसका एक बेस बन गया है इनकम का. एंड फाइनल माइल की रिपोर्ट में यही एक जो चीज़ बाहर आई है कि बीच के दो सेगमेंट्स को हम सब सर्विस कर रहे हैं, बट द पहला वाला और लास्ट वाले में शायद इतना ज़्यादा अंडर सर्विसिंग या मॉडरेट सर्विसिंग है. सो मे बी, यू नो, मे बी वी कैन ऑल्सो लुक एट इन टू आर प्रोफाइलिंग ऑफ आर कस्टमर्स एंड देख सकते कि बॉस मैं अपने कस्टमर्स को सेगमेंट करूँ. आज अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जिसका बेटा या बेटी ग्रेजुएट हो रहे हैं, वर्क फोर्स में आ रहे हैं, क्या मैं उसको टैप कर सकता हूँ? वाई शुड आई टॉक टू द पेरेंट? कैन आई नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड एंड टेल हिम के सी योर पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट्स तो मैं ही संभाल रहा हूँ, बट अभी तेरा भी मुझे प्लानिंग करनी शुरू करना है. उसने, वो बच्चे ने प्रॉबेबली आपको उसके घर में आते हुए 100 बार से ज़्यादा देखा होगा, वो आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा? सो दीज आर समथिंग जो आप अपने एंड पे कर सकते हो. यू कैन प्रॉबेबली लुक एट सेगमेंटिंग योर कस्टमर्स इन टू दीज बकेट्स एंड सींग के मेरी कहाँ पे सर्विसिंग है, कहाँ पे मैं अंडर सर्विस हूँ या मैं मॉडरेट सर्विस कर रहा हूँ. दूसरा होता है प्रोडक्ट एक्सपेंशन. आप एक हुक हो जाते हो क्लाइंट के लिए. आज हम, आप प्रॉबेबली आज म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो, आज प्रॉबेबली थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कर रहे हो, बट अगर ये काफ़ी सर्विसेज अगर आप अपने पोर्टफोलियो में उसको ऑफर करना शुरू करो, तो आप ही सोचो आपका क्लाइंट क्यों किसी और के पास जाना चाहेगा. एंड मीन्स अगर आज, अगर से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस हो गई, प्रॉपर्टी हो गया, ब्रोकिंग हो गई, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्सेशन, एन्युइटी, मतलब ऐसी काफ़ी सर्विसेज है जो आप कर सकते हो. आपके पास शायद एक्सपर्टीज ना हो, बट वॉट स्टॉप्स यू फ्रॉम नॉट टाइंग अप और पार्टनरिंग विद कंपनीज जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है. अभी समर का महीना गया, आई एम श्योर काफ़ी आपके क्लाइंट्स छुट्टियों पे गए होंगे, एंड यू मस्ट बी अवेयर कुछ ने शायद रिडेम्पशन किया भी होगा या आपको एटलीस्ट जानकारी दी होगी. आप में से कितने लोगों ने सोचा कि बॉस तू जा रहा है तो तेरा ट्रैवल इंश्योरेंस मेरे से ले ले? आपने शायद सर्विस ऑफर नहीं की होगी तो उसने ऑनलाइन जाके किसी और से खरीद लिया होगा. तो ऐसी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम प्रॉबेबली इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, बट अगर हम प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ा सके
खुद करे, किसी लोगों के साथ टाई अप करे, और अगर कस्टमर आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए तो मतलब वो क्लाइंट विल बी विथ यू फॉर लाइफ. व्हाई विल ही वांट टू गो टू समवन एल्स फॉर एनी अदर काइंड ऑफ एडवाइस. ऑब्वियसली आशीष हैज हिंटेड अपॉन इट, बट टेक्नोलॉजी लेवरेज, आई मीन दैट्स द फ्यूचर. ए मोर इम्पॉर्टेंटली प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू इम्प्रो, एंड सेकेंड थिंग इज इन टर्म्स ऑफ रीच. आज आप अपने अपने रेस्पेक्टिव शहर में बैठ के भी अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो यू कैन रीच आउट टू लॉट ऑफ मेनी मोर क्लाइंट्स. थोड़ा बहुत स्केप्टिज्म अभी भी है हम सब में कि ये ज़रूरी है क्या टेक्नोलॉजी, बट आज सुबह से जितने अभी तक प्रेजेंटेशंस हुई हैं, आई एम श्योर 25% ऑफ यू पीपल हैव बीन ट्वीटिंग ऑन योर फोन और अपडेटिंग योर फेसबुक विथ फोटोग्राफ्स आउटसाइड के अटेंडिंग MFRT इवेंट. अभी तक तो 100-200 लाइक्स भी आ गए होंगे. जब आप टेक्नोलॉजी को अपने के लिए इतना अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो तो बिजनेस में क्यों नहीं प्रेफर करोगे यूज़ करना आप. तो ये एक हो गया चीज़ जो आप अपने लिए कर सकते हो. एंड सेकेंड थिंग एक वो हो जाता है जो राधिका जी ने थोड़ा टच भी किया है, एंड एज यू ऑल आर अवेयर दैट इज़ समथिंग विच इज़ क्लोज टू नीलेश's हार्ट, और लास्ट ईयर उसने MFRT में इसके बारे में आपसे बात भी की थी, विच इज़ अमुलाइजेशन. एंड उन्होंने तभी ये कहा भी था, आई थिंक एक स्पेशल सेशन भी किया था आपके साथ वेर ही स्पोक अबाउट अमुलाइजेशन, अबाउट कमिंग टूगेदर एंड वाई नॉट लुकिंग एट क्रिएटिंग एन एंटिटी फॉर योर सेल्फ. एंड अगर आप इसको I mean the kind of recognition and branding jo aapko mil sakti hai can be far far more. So I think I won't dwell upon it so much, but I'll just leave it as a food for thought. But again yahi ho jata hai ki har cheez mein apprehension, ki matlab wo to doodh wale the aur lijjat papad wale the, hum ye sab kar sakte hain, matlab kyun nahi kar sakte. There is an article also in the magazine which speaks about the Australian company jab 14 advisors came together and did this job. And you know, they've created a successful model. So it's there in front of you. So I think, see, what's very important is in terms of having the courage, and that is what the theme is. I think apprehension nahi honi chahiye aap mein. This was an example of bungee jumping, which, I mean, Ashutosh ji ne already cover kiya hai. But if karne se pehle dar pakka laga hai, but agar aap mein se kisi ne ye try kiya ho, तो ये एक ऐसी मेमोरी है जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी भर रहेगी कि क्या ब्रिलियंट एक्सपीरियंस था. तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपने पे भरोसा रखो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो. आई थिंक दिस इंडस्ट्री इज़ ओनली गोइंग टू ग्रो, एंड दिस इंडस्ट्री कैन नॉट ग्रो विदाउट योर हेल्प एंड सपोर्ट. मतलब इट्स अ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यू नो वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड ग्रो. बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली इफ यू ओवरकम दीज एप्रीहेंशंस and you know, keep moving on, I don't see any reason why that, you know, we can't keep growing leaps and bounds. So that's all at my end, friends, and thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot, Manish. Wonderful words. May we have Mr. Amit Kumar Maheshwari from Indore to the stage. The temp-